माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में रक्षाबंधन कब है। रक्षाबंधन भाई और बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार होता है, जो कि प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। और ये त्यौहार भाई और बहन के बीच अटूट बंधन, स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार मात्र नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है भाई और बहन के रिश्ते को अटूट बनाने के लिए। इसलिए रक्षाबंधन के त्यौहार में शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। रक्षाबंधन कभी भी भद्रा काल में नहीं किया जाता, मतलब भद्रा काल में बहनें भाई को राखी नहीं बांधती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि रक्षाबंधन साल 2024 में कब है और भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब है, और इस बार साल 2024 में भद्रा काल का प्रारंभ कब होगा, समाप्त कब होगा, भाई को राखी बांधते समय बहनों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। देखिए, सावन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 अगस्त को प्रातःकाल 3:04 पर और समाप्त हो रही है 19 अगस्त को ही मध्य रात्रि में 11:55 पर। और अब जानते हैं कि भद्राकाल कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। तो देखिए, भद्राकाल प्रारंभ हो जाएगा पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ होने के साथ ही, मतलब 19 अगस्त को जब पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है उसके साथ ही भद्राकाल भी प्रारंभ हो जाएगा। और भद्राकाल का समापन हो रहा है 19 अगस्त को 2:30 पर। भद्रा मुख का समय रहेगा 19 अगस्त को प्रातःकाल 10:53 से 2:12:37 तक और भद्रा पूंछ 19 अगस्त को प्रातःकाल 9:51 से प्रातःकाल 10:53 तक। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्यदेव की पुत्री मानी जाती है और शनिदेव की बहन है। भद्रा का स्वभाव क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं, वहां समस्याएं आने लग जाती हैं। इस कारण से जब भद्रा लगती है तो किसी भी प्रकार से किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता है। तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत आधा हिस्सा भद्राकाल होता है। यही वजह है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी नहीं बांधी जाती है, मतलब भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती। अब बात करें कि राखी कब बांधे, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 2:01:30 के बाद, क्योंकि तब तक तो भद्रा काल ही रहेगा। तो 19 अगस्त को 2:01:30 से रात्रि में 9:07 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। अब ये कुल समय होगा 7:38 का। रक्षाबंधन के लिए कुछ विशेष मुहूर्त भी है, जैसे कि अपराह्न काल का शुभ मुहूर्त रहेगा 2:42:42 से शाम को 4:19 तक, मतलब 2:37 का ये कुल मुहूर्त होगा, इस समय को शुभ माना जाएगा। और रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, शाम को 6:56 से रात्रि में 9:07 तक, ये कुल अवधि होगी 2:11 की। मतलब देखिए, 1:30 से रात्रि 9:07 तक कुल शुभ मुहूर्त है। इस बीच में आप कभी भी राखी बांध सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अधिक शुभ मुहूर्त चाहते हैं तो ऐसे में ये दो शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बताए हैं, प्रदोष काल के और अपराह्न काल के, ये सबसे शुभ मुहूर्त हैं। राखी बांधने की विधि क्या होगी, किस प्रकार से आपको राखी बांधना चाहिए, कौन कौन सी चीज थाली में रखनी चाहिए और किस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन आपको नियम पालन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।